सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसा आप सभी लोग। सो आज की वीडियो थोड़ी बहुत यहाँ पर डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करने वाला हूँ शाओमी के अपडेट पॉलिसी के बारे में। मतलब कि आपका जो यहाँ पर पोको का डिवाइस है, या फिर एक रेडमी का डिवाइस है, या फिर एक MI का जो डिवाइस है, उसके अंदर आपको फ्यूचर में कौन कौन से यहाँ पर अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाले, और कौन सी ईयर तक अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाले। जैसे कि कुछ ऐसे डिवाइस है उनके अंदर आपको अपडेट है वो 2023 तक यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और कुछ ऐसे डिवाइस है उनके अंदर आपको अपडेट है वो 2024 तक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो आप लोगों के लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, आप लोगों को यहाँ पर हेल्पफुल होने वाला है कि आपको फ्यूचर में कौन सा यहाँ पर पोको का या फिर रेडमी का जो डिवाइस है जो कि यहाँ पर परचेज करना चाहिए। सो गाइज वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, और गाइज अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक यहाँ पर सब्सक्राइब भी किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में यहाँ पर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं मेरी फोन स्क्रीन पे। सो गाइस सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सिक्योरिटी पेज लेवल के अपडेट के बारे में, और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों को यहाँ पर एंड्रॉइड के जो अपडेट है वो यहाँ पर कौन कौन से डिवाइस के अंदर कितने यहाँ पर देखने को मिलने वाले। सो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर जैसा कि देख दो MI A3, MI A2, MI A2 Lite, इनके अंदर आप लोगों को अपडेट है वो हर मंथ के अंदर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये गूगल के एंड शाओमी के मिक्स डिवाइस है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब ये जो डिवाइस है इनके अंदर आपको क्वार्टरली अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब कि 90 डेज के अंदर एक बार जो अपडेट है जो कि यहां पर रिलीज किया जाता है इन डिवाइस के अंदर। सो आप लोग यहां पर जैसा कि देख तो आपका जो डिवाइस है उसको आप लोग यहां पर चेक कर लेना। इसके अंदर आप लोगों को पोको के जो डिवाइस है वो यहां पर देखने को मिलते हैं, एंड जो रेडमी की नोट सीरीज है उनके भी नेम है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाते हैं। और यहां पर कहा गया है कि अगर आप लोगों का अलग अलग रीजन है सो अपडेट आने में थोड़ा यहां पर समय लग सकता है। सो ये वाली लाइन है वो भी आप लोग यहां पर पढ़ सकते हो। बाकी जितने भी जो डिवाइस है उनके अंदर आपको मैक्सिमम अपडेट है वो यहाँ पर 90 डेज के अंदर ही अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ये मैं आपको खुद यहाँ पर बता रहा हूँ। अब दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूँ एंड्रॉइड के अपडेट के बारे में, मतलब कि एंड्रॉइड के जो अपडेट है वो कौन कौन से डिवाइस के अंदर कितने यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो ये पेज है उसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। सो गाइज ये है वो वाला पेज, और ये जो पेज है इसकी जो लिंक है वो मैंने आप लोगों को पहले ही अपना टेलीग्राम का जो चैनल है यहाँ पर शेयर कर दिया, आप लोग इसको ओपन कर सकते हो। लेकिन कोई भी आप लोगों को VPN है उसको यहाँ पर यूज करना होगा, क्योंकि जो Xiaomi कम्युनिटी है वो यहाँ पर इंडिया में बैन है, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, इसको आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अब गाइज आप लोग जैसा कि देख दो यहाँ पर आप लोगों को जो डिवाइस है उसकी अपडेट लिस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जैसे कि रेडमी नोट 9 प्रो। मैं जस्ट आप लोगों को एक एग्जांपल देके बता रहा हूं सारे डिवाइस है उनकी आप लोग एक बार यहां पर चेक कर लेना। जैसे कि रेडमी नोट 9 प्रो जो डिवाइस है इसके अंदर आप लोगों को सिक्योरिटी पेज का जो अपडेट है वो मई 2023 तक यहां पर देखने को मिलेंगे, मतलब कि 2 साल अभी तक यहां पर रह रही है, और आप लोगों को यहां पर अपडेट है वो 90 डेज के अंदर एक बार यहां पर देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी अपडेट है उसकी मैं आप लोगों को यहां पर बात कर रहा हूं, और आप लोगों को यहां पर फ्यूचर में एंड्रॉइड 11 के जो अपडेट है वो यहां पर देखने को मिलेंगे, लेकिन एंड्रॉइड 12 का जो अपडेट है वो यहाँ पर अभी तक भी कंफर्म नहीं हुआ है रेडमी नोट 9 प्रो डिवाइस के लिए, और ये Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो सो यहाँ पर कोई भी फेक न्यूज है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, और ये जो डिवाइस है वो यहाँ पर रिलीज हुआ था 2020 में 5th मंथ के अंदर, और सिक्योरिटी पेज का जो अपडेट है वो आपको 2023 और 5वां जो मंथ है उसके अंदर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट डिवाइस आपको रेडमी 9 का यहाँ पर देखने को मिलता है, MI 10T Lite का देखने को मिलता है, MI 10T का देखने को मिलता है, MI 10T Pro है, Redmi Note 10 5G है, Redmi Note 10 Pro और Pro Max जो दोनों जो डिवाइस है वो आपको एक ही के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, Redmi Note 10 S, MI 11 Lite 5G, MI 11 Ultra, Redmi 9T, Redmi Note 10T 5G, Redmi Note 10 Pro Max, और जो आपको Poco के जो डिवाइस है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि Poco की X सीरीज है उनके अंदर आपको 2 OS अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका डिवाइस है वो Android 10 के साथ में यहाँ पर प्री इंस्टॉल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था, सो उसके अंदर आपको Android 11 का अपडेट भी मिलेगा, और Android 12 का जो अपडेट है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन Poco की जो M सीरीज है उसके अंदर आप लोगों को ओनली 1 OS अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि आपका डिवाइस Android 11 के साथ में आप लोगों ने यहाँ पर परचेज किया है सो आपको ओनली Android 12 का जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। सो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।